रणथंभौर। इसके बाद कौन सा? रणथंभौर में चौहान थे। रणथंभौर वाले चौहानों का संस्थापक था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। असम्भर वाले चौहानों का कौन था? वासुदेव। रणथंभौर वालों का कौन था? गोविंद। ये पृथ्वीराज का बेटा था। पृथ्वीराज को जब पकड़ के मार दिया गया, अजमेर पे तुर्कों ने कब्जा कर लिया था, ये कहां पर चला जाता है? रणथंभौर चला जाता। बाद में यहां पर एक राजा हुआ, उस राजा का नाम है वीर नारायण। क्या नाम है? वीर नारायण। ये इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मरा था। किसके खिलाफ लड़ता हुआ मरा गया था? तो कोई पूछे दिल्ली के इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ रणथंभौर का कौन सा राजा मारा गया था? तो कौन था? कौन सा था? वीर नारायण। किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? इल्तुतमिश कहां का राजा है? दिल्ली। फिर अजमेर में, सॉरी, रणथंभौर में एक राजा हुआ है हमीर। कौन हुआ है? हमीर। हमीर के बारे में हम ज्यादातर बातें जानते हैं। हमीर के बारे में एक तो याद रखनी, हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे, उनमें 16 जीत गया था। कितने युद्ध लड़े थे, उनमें कितने जीते? तो मुझे 17 में से 16 युद्धों का विजेता कौन था? हमीर। कहां का राजा है? रणथंभौर। इन 16 में से हम पढ़ते हैं, एक हमला किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? दो आक्रमण। कितने आक्रमण किए? और फाइनली उसने कहा था कैसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझ। ऐसे 10 किले भले ही मेरे हाथ से निकल जाए, लेकिन मेरा एक एक मुसलमान सिपाही का बाल भी भांका। तो उसने कहा ठीक है साहब, वापस चलते हैं। बाद में बदला लेने के लिए आया था अलाउद्दीन खिलजी, हम जानते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने कब अटैक किया था? 1301। आप तमाम बातें जानते हैं। किस टाइम उसने दो सेनापतियों को शरण दे दी थी। एक सेनापति का नाम था मोहम्मद शाह, एक सेनापति का नाम था के हबरू। कौन कौन दो है बताओ? मोहम्मद शाह और के हबरू। इनको शरण दे दी थी। दो आदमी हमीर के साथ विश्वासघात करते हैं, बताओ कौन कौन? रतिपाल और रणमल। कौन कौन थे? रतिपाल और रणमल। तो इस समय यहां पर क्या किया गया? साका। ये अपने राजस्थान का क्या था? पहला साका था। साके में जोहर किसने किया? रंगदेवी। अमीर की रानी थी, उसका नाम क्या था? केसरिया। कौन कर लेता है? अमीर। और अमीर की एक बेटी थी देवल दे। क्या नाम था? देवल दे। और वो पीछे तालाब में कूद गई थी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? जलजोर। ये सब पढ़ा हुआ अपना जलजोर वाली बातें। फिर हम हमीर के बारे में, इसके अलावा दूसरी बातें, जब किले पे कब्जा कर लिया गया था तो अमीर खुसरो कहता है। आज कुफर का घर इस्लाम का घर, आज कुफर का घर किसका घर हो गया? इस्लाम का घर। अलाउद्दीन का एक सेनापति इस लड़ाई में काम आया था, नुसरत खान। कौन मारा गया था? ये सवाल पूछते हैं। अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंभौर आक्रमण में काम आ गया था? नुसरत खान। कौन आ गया था? नुसरत। हमीर के बारे में एक बात बहुत अच्छी सी है कि हमीर ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, उस बुक का नाम है श्रृंगार हार। कौन सी बुक लिखी है? ये याद रखनी है आपने। तो हमीर की पुस्तक का नाम बताओ, तो हमीर की बुक का नाम क्या नाम था? कौन सी बुक है हमीर की? श्रृंगार। फिर एक हम ये जानते हैं कि हमीर के पिताजी थे जयत्री सिंह। जयत्री सिंह ने राज किया था 32 साल। कितने साल राज किया? इसलिए उनकी याद में क्या बनाएगी? 32 खंभों की छत्र। पर याद, ज्यादा याद याद रखना। हमीर की बुक का नाम क्या है? क्या नाम है? हमीर किस बात के लिए फेमस हुआ? हठ। किस बात के लिए फेमस हुआ? अपने हठ के लिए। कोई राजा फेमस हुआ तो कौन हुआ? इसलिए मुझे लगता है हमीर अपना वो बंदा है, इसमें सबसे अधिक किताबें लिखी हुई है। नयन चंद्र सूरी ने लिखी थी कि हमीर महाकाव्य। क्या लिखी थी? हमीर महाकाव्य। किसने लिखी थी? नयन चंद्र सूरी। तो ये याद रखनी है। एक याद रखनी है जोधराज की बुक। किसकी बुक है? जोध। और जोधराज की बुक का नाम है हमीर रासो। क्या नाम है? हमीर रासो। मेरा यह भी बताया हुआ है हमीर रासो अहिरवाटी में लिखी हुई है। कौन सी बोली में लिखी हुई है? अहिरवाटी, जिसको हम राठी बोलते हैं, जो कोटपुतली से लेके बहरोड के बीच, कहां से कहां के बीच बोलते हैं? कोटपुतली से बहरोड के बीच। एक बुक याद रखनी है चंद्रशेखर की। किसकी बुक याद रखनी है? और चंद्रशेखर ने लिखी हमीर हठ। कौन सी लिखी? हमीर ने हठ किया था, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? हमीर। तो नयन चंद्र सूरी की बुक का नाम क्या है? हमीर महाकाव्य। जोधराज की बुक हमीर रासो। कौन सी भाषा में? अहिरवाटी। या अहिरवाटी को क्या कहते हैं? अहिरवाटी को क्या कहते हैं? ये अपने कोटपुतली से बहरोड के बीच का इलाका है, राठ। क्या इलाका है? किसी टाइम इसको राठ बोलते, इसलिए राठ की भाषा राठी। यादव ज्यादा रहते हैं इस बेल्ट में, यादवों को कहते हैं अहीर, अहीरों का इलाका, इसलिए अहिरवाट। अहिरवाट की भाषा काठ नव पर राठ ना नव। काठ मतलब लकड़ी। एक बार लकड़ी को झुका सकते हो आप? ये पॉसिबल हो सकता है कि लकड़ी झुक जाए, लेकिन राठ का आदमी झुकता? उधर सारे पुष्प है, झुकेगा नहीं सर। कौन से क्षेत्र में झुकते नहीं है सारे? अहिरवाटिया राठ। इसमें कौन सी बुक लिखी हुई है? हमीर रासो। किसने लिखी थी? और चंद्रशेखर ने कौन सी लिखी? हमीर हट। हमीर जैसे जिद ना कोई कर पाया था, ना कोई। पहली बार हमीर ने कहा था कि एक बार कमिटमेंट करने के बाद मैं, ये कहने वाला पहला बंदा कौन था? सेकंड सलमान खान।
फर्स्ट अमीर, फर्स्ट तो अमीर है, सेकंड सलमान। चलो ये हो गए भाई आपके रणथंभौर वाले चौहान। उसके बाद में चौहानों की एक बस्ती बहुत फेमस ब्रांच थी जालौर। कौन सी ब्रांच थी? और जालौर वाले चौहानों की स्थापना जिस बंदे ने की, जिस बंदे का नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? तो कोई पूछे कि जालौर के चौहानों का संस्थापक कौन था, तो कौन था? जालौर वाले चौहान कहलाते हैं सोनगरा। क्या कहलाते हैं? क्योंकि जालौर वाला किला कौन सी पहाड़ी पे था? सोनगिरी। सोनगिरी पहाड़ी के चौहान थे, इसलिए क्या कहलाए? सोन। क्या कहलाए थे? सोन। तो कीर्तिपाल याद रखना। इसके बाद में एक बड़ा राजा यहां पर हुआ था, उदय सिंह। क्या हुआ था? उदय सिंह भाई साहब इल्तुतमिश को हरा देता है। किसको हराता है? वही इल्तुतमिश जिसके खिलाफ रणथंभौर का कौन सा राजा लड़ता हमारा गया था? वीर नारायण। इल्तुतमिश से इसने दो किले छीने थे, एक तो मंडोर और एक नाडोल। कौन कौन से दो किले छीने थे? आपने पढ़ते हैं, देखो नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर है जो कि चौहानों की कुल देवी है, पढ़ते हैं। तो उसने, उदय सिंह चौहान है जालौर का, उसने कहा ये नाडोल हमारा है, तू कहां पर बैठा हुआ है? तो उसने नाडोल छीन लिया था। क्या छीन लिया था? मंडोल। तो कोई पूछेगा इल्तुतमिश से नाडोल तथा मंडोल छीनने वाला राजा कौन था? तो कौन था? कहां का राजा है वो? तो जालौर। किसको हराता है? इल्तुतमिश। फिर यहां पर एक राजा बना, उसका नाम था चाचिक देव। क्या नाम था? चाचिक देव। और जिसने कहा भाई साहब अब इज्जत बढ़ गई, जिसने कहा आज के बाद मुझे कोई राजा वाजा नहीं बोलेगा रे, अपने को चाहिए फुल मिर्जापुर पूरा अपना है। ये कहने वाला पहला बंदा कौन था? चाचिक देव। तो उसने क्या उपाधि धारण की? तो जालौर के चौहानों में महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण करता है? कौन करता है? चाचिक। जब ये जालौर में अपने राज कर रहा था तो दिल्ली में दो बंदे बैठे थे। दिल्ली में पहले राजा बना था नासिरुद्दीन महमूद। कौन बना था? नासिरुद्दीन महमूद। और बाद में राजा बना बलबन। कौन बना था? कौन कौन दो बने नाम बताओ? नासिरुद्दीन महमूद और, लेकिन इन दोनों ने जालौर पर कोई अटैक, आपसे कोई ये पूछे कि दिल्ली के सुल्तान जालौर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, उस समय जालौर का राजा कौन था? चाचिक देव। क्योंकि उसकी उपाधि क्या है? महाराजा धीराज। क्या उपाधि है? तो जालौर में चौहानों की स्थापना करने वाला कौन था? कीर्तिपाल। इल्तुतमिश को हराने वाला कौन था? उदय सिंह। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चाचिक देव। और उसके टाइम में कौन कौन दो राजा आक्रमण नहीं कर पाए? नासिरुद्दीन महमूद और बल। नहीं याद रखना, आपने इतना याद रखना, दिल्ली वालों ने अटैक नहीं किया जालौर पे, उस समय दिल्ली जालौर का राजा कौन था? कौन था? फिर फाइनली दिल्ली वाले अटैक कर देते हैं भाई। दिल्ली वाले अटैक करते हैं कानड़ देव के टाइम। किसके टाइम करते हैं? कानड़ देव के टाइम में अटैक करते हैं। और हम जानते हैं कि कानड़ देव के टाइम में दो अटैक किए गए, एक 1308 में, एक 1311। 1308 में कहां पर किया गया? सिवाना। कहां पर किया गया? और सिवाना के अंदर शाखा करते हैं सातल और सोम। कौन कौन करते हैं? सातल और सोम। दोनों कानड़ देव के क्या लगते थे? भतीजे। और अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया? खेराबाद। क्या कर दिया? उसने 1311 में अटैक कहां पर किया? जालौर। और जालौर में उस समय शाखा होता है, और वो शाखा करते हैं कानड़ देव और वीरम। कानड़ देव और वीरम। वीरम देव कौन था? कानड़ देव का बेटा ही था। ये शाखा करते हैं, उसने जालौर का नाम बदला, जालौर का नाम बदल क्या कर दिया? जलालाबाद। क्या कर दिया? आप ये भी जानते हैं कि राई के भाव बिक गया था जालौर का किला। किस भाव बिक गया था? राई। और वो बेचने वाला बंदा कौन था? बिका दहिया। कौन था? बिका दहिया। कौन सलटा देती है बाद? उसकी पत्नी मार देती। उसकी पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? नाम हीरा नहीं है, महिला भी क्या थी वो? हीरा। उसने कहा ऐसा देशद्रोही, कुल कलंकी, विश्वासघाती, लिचड़ आदमी, ये मेरा पति। और उसने किसको मार दिया? बिका दहिया। बिका दहिया कहाँ का? वो भेद बता के आया था जालौर के किले का। किसको बता के आया था? अलाउ। तो कानड़ देव ने कौन कौन से, कानड़ देव के टाइम में 1308 में कहां पर हमला हुआ? सिवाना। शाखा कौन करते हैं? सिवाना का नाम बदल के। 1311 में कहां हुआ? किसने किया? कानड़ देव और वीरम देव। जालौर का नाम बदल के कौन बेच के आया था? उसको कौन मार देता? फिर फिरोजा आपको वैसे याद रहेगी ना, मैं ना भी पढ़ाऊंगा, आप यूं मरने वाले होंगे ना, 120 साल के हो गए आप मरने वाले हो, उससे पहले तो क्या मरोगे तुम, 120 के आराम से जी जाओगे ना, पापी जीवित जल्दी नहीं मरते भाई साहब, 120 साल के हो गए मरने वाले हो, सांस निकल नहीं रही तुम्हारी, उस समय तुम्हारे पड़पोतों की बिनड़िया पास में खड़ी है, वो करिए मर जाओ, 11-11 कर लेंगे, ऐसे करना पड़ता है बिनड़ी को ना, कि 11-11 कर लेंगे, आप जाओ बोले आराम से पधारो, कोई चिंता नहीं है। और उस समय भी यदि आपको आगे कह देंगे फिरोजा, वीरमदेव मैं जानता हूं सब बातें, रहने दो, आप बुढ़ापे में क्यों पूछ रहे हो। चल, एक राइटर वे थे अपने बाद में इधर जालौर के अंदर, पद्मनाभ। कौन वे थे? वो नहीं है जो अभी हम पढ़ रहे थे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री वाले,
वो भाई साहब 1100 में हो गए, अब हम बात 1500 के आसपास ही कर रहे हैं। कोई 400 साल बाद में एक राइटर हुए थे, इन्होंने कानड़देव पर एक बुक लिखी, कानड़देव प्रबंध। कौन सी लिखी? ये दोनों बुक से याद रखने की। पद्मनाभ की बुक का नाम क्या है? कानड़देव प्रबंध। और एक उसका बेटा कौन था? वीरमदेव। तो वीरमदेव पे लिखी थी वीरमदेव सोनग्रारी वात। किरी वात? वीरमदेव सोनग्रारी वात। वात का मतलब बात, बात का मतलब कान। कह रहे चकवा बात, कह रहे चकवा लक्ष्मी कुमारी। वीरमदेव सोनग्रारी वात पद्मनाभ। किसकी बुक है? तो कानड़देव वीरमदेव दोनों बाप बेटों पे बुक लिखने वाला बंदा कौन है? पद्म। तो पद्मनाभ ने कानड़देव पे कौन सी लिखी? कानड़देव प्रबंध। वीरमदेव पे कौन सी लिखी? वीरमदेव स्वनग्रारी। ये किताबें पूछेंगे, युद्ध वगैरह नहीं पूछते, वो लोग बुक्स पूछते हैं। पद्मनाभ की किताबों के नाम बताओ कौन कौन सी है? कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव स्वनग्रारी। जयानक की बुक कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। चंद बरदाई की बुक कौन सी है? सोमदेव की बुक कौन सी है? ललित विग्रहराज। खुद विग्रह चतुर्थ की बुक कौन सी है? हरकेली। कौन सी है? मैनाल में कौन सा मंदिर है? दिल्ली शिवालिक स्तंभ किसने लगवाया? बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया? बिजोलिया अभिलेख कौन से चौहान राजा के टाइम का? सोमेश्वर। मंदिरों की जमीन क्या कहलाती है? डोली। दिल्ली जीतने वाला कौन था? सांबर झील बनाने वाला कौन था? कौन था? वासुदेव। अग्निकुंड से कौन कौन पैदा हुए? चौहान, चालुक्य, परमार और इसके भैया जालोर हो गए। आप आ जाओ सिरोही। सिरोही में भी चौहान थे। सिरोही वाले जो चौहान थे वो थे देवड़ा चौहान। कौन थे? देवड़ा चौहान। देवड़ाओं में यहां पे सिरोही पे कब्जा करने वाला बंदा तो था लुम्बा। कौन था? लुम्बा। तो कोई पूछे भाई देवड़ा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? लुम्बा। कौन था? लुम्बा। लुम्बा ने दो जगह कब्जे किए थे, आबू और चंद्रावती। कहां कहां पे कब्जे किए थे? तो आबू और चंद्रावती पे किसने कब्जे कर लिए थे? किसने कर लिए थे? लुम्बा। कहां कहां पे कब्जा करता है? ये तो आबू पे और एक कहां पे करता है? चंद्रावती पे कब्जा कर लेता है। और चंद्रावती उसकी राजधानी थी। राजधानी कौन सी थी? उसके बाद में एक राजा आता है यहां पे सहसमल। क्या नाम आता है? और सहसमल 1425 में एक नया शहर बसाता है सिरोही। कौन सा बसाता है? तो सिरोही की स्थापना कब हुई? 1425। किसके द्वारा की गई? अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113। किसके द्वारा की गई? अजमेर का संस्थापक अजयराज, सिरोही का संस्थापक सहसमल। अजमेर की स्थापना 1113 सिरोही की। बाद में यहां पर एक बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ भाई, उसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। सुल्तान कहां का राजा है? सिरोही। और ये अकबर को टिका देता है भाई साहब दत्ताणी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? दत्ताणी का युद्ध होता है 1583। कब होता है? और इसमें किसको हराता है? अकबर को। किसको हराता है? ये महाराणा प्रताप का सहयोगी था, महाराणा प्रताप का साथ देने वाला बंदा था। महाराणा प्रताप 1582 में अकबर को युद्ध हराते हैं दिवेर। कौन सा हराते हैं? आगे महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। 82 में कौन सा हराया था उन्होंने? दिवेर। तो सुल्तान को लगा यार अपना हीरो कौन? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप ने अकबर को कौन से युद्ध में टिका दिया? दिवेर। तो इन्होंने कहा अपने भी दैनाम वाले युद्ध में रहेंगे। दैनाम वाले उन्होंने कहा उसने दिवेर में अपने। तो 1582 में मुगल सेना कहां पे हारती है? दिवेर। 1583 में कहां हारती है? दत्ताणी। 82 में कौन हरा रहा है? प्रताप। 83 में कौन हरा रहा है? और महाराणा प्रताप ने जैसे ही समाचार सुना उनका शाबाश मेरे अच्छी थे, मजा आ गया, पूरी सेना उड़ा दी और मैं मेरी पोती की शादी सुल्तान के साथ करता हूं। तो महाराणा प्रताप ने अपनी पोती की शादी बाद में किसके साथ की थी? योद्धा आदमी है, अभी अभी पता चला है कि फर्स्ट रैंक का ये आरएस के अंदर। यही था उस समय रैंक, यही हुआ करती थी भाई साहब, और क्या है ना। आप मत कहता हूं आप फर्स्ट रैंक लेके आना, आपको यूं फील आएगा कि दत्ताणी मैं जीत के आया हूं, है ना। आज मैंने अकबर की सेना के पर खच्चे उड़ा दिए, आपको यही फील आएगा। तो वो सुल्तान को फील आ रहा होगा। तो कौन से युद्ध में? दत्ताणी के युद्ध में। किसको हराता है? अकबर। कब होता है दत्ताणी का युद्ध? और ठीक एक साल पहले प्रताप कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं? दिवेर। कौन सा लड़ रहे हैं? इस सुल्तान पे बाद में एक राइटर हम पढ़ते हैं दुर्सा अढ़ा, पढ़ते हैं। और दुर्सा अढ़ा ने बुक लिखी थी राव सुल्तान राव कवित। कौन सी बुक लिखी? तो राव सुल्तान राव कवित किसने लिखी? इन्हीं दुर्साडा ने महाराणा प्रताप पर एक बुक लिखी थी विरुद्ध चहेत्री। कौन सी लिखी? महाराणा प्रताप 76 दोहे लिखे, इसलिए बुक का नाम क्या है? राव सुल्तान पे बुक लिखी, इसलिए बुक का नाम क्या है? राव सुल्तान राव कवित। हम ये भी जानते हैं दुर्साडा की मूर्ति लगी हुई है अचलगढ़ के किले। कौन से किले में? तो दुर्साडा की मूर्ति कौन से किले में? अचलगढ़ के किले के अंदर। ये सारी बातें बताया अपने को। तो सुल्तान ने अकबर को कौन से युद्ध में रहा था? दत्ताणी। दत्ताणी कब हुआ था? 1583। दुर्साडा कौन सी बुक लिखते हैं? राव सुल्तान राव कवित। किसके ऊपर? राव सुल्तान।
राव सुल्तान कहां का राजा है? सिंपल क्वेश्चन आएगा, दुर्सा आढा द्वारा लिखी गई पुस्तक राव सुल्तान रा कवित में राव सुल्तान का जिक्र किया गया, ये किस रियासत का राजा था? है ना, तो कई बार अपनी किताब तो याद रह जाती कि दुर्सा आढा की राव सुल्तान रा कवित, सुल्तान कौन है? तो सुल्तान कहां का राजा है सिर? अच्छा, ऐसा उसके बारे में बताने लायक क्या है? तो उसने किसको हराया था? अकबर। कौन से युद्ध में? दत्ताणी के युद्ध में हराया था। और दुर्सा आढा की मूर्ति कहां पर है? अचल गए। दुर्सा आढा महाराणा प्रताप पर कौन सी लिखते हैं? विरोध छहत्री। विरोध का मतलब था उपाधियां, छहत्री मतलब 76, महाराणा प्रताप की 76 उपाधियां, इसलिए बुक का नाम क्या है? विरोध छहत्री। फिर आप तमाम लोग जानते हो कि सिरोही में एक राजा था शिव सिंह। कौन राजा था? शिव सिंह। और ये 1823 में अंग्रेजों से संधि करता है। कब करता है? 1823। तो राजस्थान की वह रियासत जो अंग्रेजों से सबसे लास्ट में संधि करती है कौन सी थी? सिरोही। कब करती है? 1823। वो राजा कौन था? बाकी मैंने बताया था भरतपुर और अलवर कब कर लेते हैं? 3। करौली और कोटा कब कर लेते हैं? 17। बाकी सब कब करते हैं? 18। सिरोही कब करता है? ये मैंने बताया था, जोधपुर वाला राजा मानसिंह लफड़ा कर गया था। जोधपुर में राजा मानसिंह है और राजा मानसिंह ने अंग्रेजों को कहा कि ये सिरोही मेरे अंडर है। अब मान लो राजस्थान भारत के अंडर है तो क्या अमेरिका राजस्थान से अलग से संधि करेगा? भारत से कर लेगा। वो तो शिव सिंह को बाद में खुद चला के गए अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को जाके शिव सिंह ने कहा कि अंग्रेजों ऐसे भी क्या दुश्मन कि सबके पास ज्यादा कि तुम यूं दोस्तियां कर रहे हो और मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है, तुम ध्यान ही नहीं देते उधर। तो अंग्रेजों मुझे भाई साहब आप कौन? तो मैं शिव सिंह हूं। कहां के राजा होगे? सिरोही। सिरोही तो मारवाड़ के अंडर था। उसने कहा नहीं आता, वो झूठा आदमी। फिर जेम्सटोड को बुला के पूछा। जेम्सटोड ने कहा नहीं भाई, मारवाड़ में वंश है राठौड़, सिरोही में वंश है चौहान, ये अलग अलग होते हैं, आपस में कोई भी लेना देना। तो अंग्रेजों ने कहा वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। तो संधि कब की गई थी? 1823। कौन से राजा ने की? शिव सिंह। फिर एक चौहानों की रियासत थी बूंदी। कौन सी थी? बूंदी वाले जो चौहान थे वो थे हाड़ा चौहान। कौन थे? हाड़ा चौहान। जालौर वाले चौहान कौन से थे? सोनग्रा। सिरोही वाले चौहान कौन से थे? देवड़ा। बूंदी वाले चौहान, तो कोई पूछे बूंदी में कौन से वंश का शासन था? चौहान। कौन सा वंश था? उन चौहानों की ब्रांच कौन सी थी? तो भी आप पुराने बेचवाड़ों ने कहे उनका हाड़ा। जबकि मैं जब पढ़ा के गया हूंगा 2 साल पहले भी, तब भी मैं चीख चीख के बता के गया हूंगा कि तुमसे पूछा जाएगा वंश कौन सा था, तुम जानोगे चौहान है, फिर भी तुम्हारे दिल से आवाज आएगी हाड़ा। अभी तक यू आ रही हाड़ा हाड़ा, आवाज जाने का नाम है नहीं। तो सिरोही बूंदी में कौन सा वंश था? चौहान। चौहानों की कौन सी ब्रांच है? हाड़ा। और इनका जो वहां संस्थापक था उसका नाम था देवा। क्या नाम था? सनी देओल बंदा था देवा। तो उधर सिरोही में संस्थापक कौन था? लुम्बा। नाम जो रहा इनके लुम्बा, किसी को जाके अगले को बताया हाय मैं लुम्बा। अगले बंदे को लगे यार गजबी आदमी आया, देवान लुम्बा नाम ठीक रखते। फिर बूंदी में एक राजा हुआ था उसका नाम था बरसिंह। क्या नाम हुआ था? बूंदी वाला किला इसी ने बनवाया था। बूंदी वाला किला यदि आप दूर से देखोगे तो लगेगा जैसे झील में तारा चमक रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह। फिर बूंदी में एक राजा हुआ था सुरजन। कौन राजा हुआ था? ये अकबर के साथ संधि करता है 1569 में। कब करता है? और अकबर को किला गिफ्ट के अंदर देता है रणथंभौर। कौन सा किला गिफ्ट में दिया? तो अकबर को रणथंभौर किला किसने दिया था? सुरजन ने। किसने दिया था? सुरजन। सुरजन ने दिया था उसको। कौन सा किला दिया था? रणथंभौर। कब दे दिया था? 1569। कब दे दिया था? 1500। तो अकबर से संधि करने वाला राजा कौन था? और फिर द्वारिका में इसने मंदिर बनवाया था रणछोड़। कौन सा बनवाया था? रणछोड़ मंदिर। कहां पर बनवाया था? आपको कि सर हाँ हाँ ये हमें पता है, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर के भगवान कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई पढ़ा था ऐसा कुछ। एक रणछोड़ जी का मंदिर अपने बलोत्रा के पास में जगह खेड़। कौन सी जगह? खेड़ के अंदर भी एक रणछोड़ मंदिर है। खेड़ में भी कौन सा मंदिर है? वो बहुत पुराना है भाई साहब, गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर। कौन सी शैली का? गुर्जर प्रतिहार, या उसको बोलते हैं महामारू। कौन सी बोलते हैं? तो गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली का खेड़ में कौन सा मंदिर है? ये अपने अलग है ना, ये तो नाम आ गया इसलिए मैंने बता दिया। मेनाल के अंदर महानालेश्वर, वो तो कौन सी शैली है? भूमिज। कौन सी है? भूमिज। खेड़ का रणछोड़ मंदिर कौन सी शैली है? गुर्जर प्रतिहार शैली का। दो क्या कह दो? महामारू शैली में। खेड़ में कौन सा मंदिर बना हुआ है? रणछोड़ भगवान कृष्ण। रणछोड़ मतलब भगवान। भगवान कृष्ण जरासंध के खिलाफ युद्ध होने वाला था, तब मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए थे। मथुरा छोड़ कहां चले गए? गाडा लाद्या लाल जीन देख अणूठी राड़, द्वापर में द्वारकान कलयुग में मेवाड़। गाडा लाद्या लाल जी, लाल जी मतलब भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने अपनी गाड़ियां लाद ली, देख अणूठी राड़ अणहुंती, जिनमें कुछ भी होना जाना
राड मतलब लड़ाई, फालतू की लड़ाइयों को देखकर भगवान कृष्ण ने लड़ाइयां छोड़ दी, अपनी गाड़ियां लाद ली। गाड़ा लादा लाल जी ने देख अनूठी राड, द्वापर में द्वारका, द्वापर में मथुरा से कहां चले गए थे, कलयुग में मेवाड़। और जब कलयुग में औरंगजेब मथुरा के मंदिर तोड़ने के लिए आ रहा था, श्रीनाथ जी मेवाड़ पधार गए थे। श्रीनाथ जी कहां पर आ गए, तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पे, नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में कब आए, कलयुग में। भगवान कृष्ण खुद कब थे, द्वापर में। द्वापर में कहां चले गए थे, द्वारका। कलयुग में कहां आ गए, इसलिए युद्ध छोड़ गया, इसलिए द्वारिका में मंदिर कौन सा बना, रणछोड़। कौन सा, रणछोड़ मंदिर बना। खेड़ में भी अपने एक मंदिर है, वो भी कौन सा है, रणछोड़। वो कौन सी शैली में, गुर्जर प्रतिहार, या उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। तो बूंदी में हाड़ाओं का संस्थापक कौन था, देवा। किला किसने बनवाया, बरसिंह। बरसिंह ने किला कौन सा बनवाया, सुरजन। किससे संधि करता है, अकबर। कौन सा किला गिफ्ट में देता है, और द्वारिका में क्या बनाता है। अभी हम एक राइटर पढ़ रहे थे, चंद्रशेखर पढ़ रहे थे, जिसने हमीर पर बुक लिख दी, हमीर हट। वो इसके दरबार में था, सुरजन ने कहा मेरे पे भी लिखी यार, तो चंद्रशेखर ने सुरजन पे लिख दी सुरजन चरित। कौन सी लिख दी, और उसने कहा हमारे बडगों पे लिख दे, मैं चव्हाण, मेरे बडगे भी चव्हाण। रणथंभौर का राजा कभी कौन था, हमीर। तो उसने कहा हमीर की तो एक ही विशेषता, उसने क्या किया था, हट। इसलिए कौन सी बुक लिख देते, तो चंद्रशेखर सुरजन के दरबार में, इसलिए कौन सी लिख रहा है, सुरजन चरित। हमीर पर कौन सी लिख रहा है, कौन सी लिख रहा है, हमीर। चलो आगे, इसके बाद में बूंदी में एक राजा हुए, उनका नाम था बुद्ध सिंह। क्या नाम था राजा का, बुद्ध सिंह नाम के राजा थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है नेहतरंग। क्या नाम है, पिछली बार आरएस में क्वेश्चन था, पिछली बार आरएस परी का क्वेश्चन है, नेहतरंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो नेहतरंग किसने लिखी, बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह जी कहां के राजा है, कहां के राजा है। फिर भाई साहब बुद्ध सिंह जी के दो बेटे थे, आपस में भिड़ गए। एक बेटे का नाम था दलेल सिंह, एक बेटे का नाम था उमेद सिंह। कौन कौन है, दलेल सिंह और उमेद सिंह। पहले बेटा हो नहीं रहा था, इसलिए दलेल सिंह को गोद लिया था। दलेल सिंह क्या लिया था, गोद। बाद में बेटे होते थे, पर होते मर जाया करते थे। एक बेटा जीवता रह गया, वो कौन सा था, उमेद सिंह। अब इनमें लड़ाई हुई, दलेल सिंह के पहले मेरे को राजा घोषित कर दिया, राजा मैं हूं, उमेद सिंह के राजा मैं हूं। तो दलेल सिंह का सपोर्ट तो कर रहा था सवाई जय सिंह। कौन कर रहा था, ये सवाई जय सिंह का जवाई था। सवाई जय सिंह ने अपनी बेटी की शादी कर रखी थी, सवाई जय सिंह का राजा रहेगा तो मेरा जवाई रहेगा, जवाई कौन है, दलेल सिंह। उमेद सिंह ने बुला लिए थे मराठे। क्या बुला लिए थे, तो आपको कोई पूछेगी राजस्थान की कौन सी रियासत में मराठे राजा बनाने के लिए आ गए थे, किसको राजा बनाने के लिए, किसके खिलाफ, दलेल सिंह। दलेल सिंह को सपोर्ट कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, कौन कर रहा है, तो सवाई सवाई जब तक सवाई जय सिंह जिंदा रहा उसने राजा किसको बना के रखा, दलेल सिंह। पर जैसे सवाई जय सिंह मरा, राजा किसको बना दिया गया, किसको बना दिया गया, उमेद सिंह। फिर बूंदी के अंदर एक राजा था जो अंग्रेजों से संधि कर लेता, विष्णु सिंह। कौन था, तो संधि करने वाला राजा कौन था, सिरोही में संधि करने वाला कौन है, शिव सिंह। बूंदी में कौन है, सिरोही वाले कब करते हैं, 1823, बूंदी वालों 1818, हम जानते हैं 1818। इसके बाद आ जाओ आप तो अपने कोटा, चव्हाणों की जो एक और रियासत है वो कौन सी है, कोटा। कोटा का जो, कोटा में भी ये चौहान ही थे, बूंदी से गए थे। बूंदी वाले चौहान कौन से थे, हाड़ा चौहान। तो कोटा वाले भी कौन से है, हाड़ा चौहान। इसलिए कोटा बूंदी वाला इलाका कहलाता हाड़ोती। कोटा बूंदी वाला क्या कहलाता है, इसलिए वहां की बोली भी कौन सी होगी, हाड़ोती। कोटा के अंदर जो संस्थापक था उस बंदे का नाम था माधो सिंह। क्या नाम था, माधो सिंह नाम हुआ करता। इसको राजा बनाने वाला बंदा था मुगल बादशाह शाहजहां। मुगल बादशाह, उसने 1631 में इसको बूंदी से अलग कर दिया था। पहले कोटा और बूंदी एक ही हुआ करते। कोटा भी किसके अंदर आया करता था, बूंदी। पर शाहजहां 1631 में, शाहजहां का दोस्त है बूंदी का राजकुमार। बूंदी का राजकुमार कौन है, माधो सिंह। और उसने कहा कि तू अपने बाप से अलग हो जा। तो बूंदी में राजा थे रतन सिंह। राजा कौन थे, तो बाद में रतन सिंह का बेटा है माधो सिंह जो साजा है होता है। रतन सिंह को बुलाता, रतन सिंह को बुलाकर, रतन सिंह जी बूंदी के राजा तो आप ही रहो और अपने किसी भी बेटे को बूंदी का बना देना, हमें कोई भी लेना देना नहीं है। पर ये पोर्शन तोड़ते हैं हम बूंदी का, तोड़ के एक नया पोर्शन बनाते हैं कोटा, और कोटा का राजा आपका जो बेटा जो मेरा दोस्त है ये बनेगा। और वो दोस्त कौन था, तो कोई पूछे कोटा राज्य की स्थापना कौन से मुगल बादशाह ने की थी, किसको राजा बना दिया था, कब बना दिया था, कब बना दिया था, याद रहेगी बात। वह क्या था कि शाहजहां जो है वो जहांगीर के खिलाफ बगावत करता है। शाहजहां के पिताजी का नाम क्या था, जहांगीर। तो जहांगीर के खिलाफ बगावत कर देता है। उस समय जहांगीर ने बूंदी वाले रतन सिंह को भेजा था कि तुम जाओ और तुम जाके शाहजहां को पकड़ो। रतन सिंह यार उसने जाके शाहजहां को पकड़ लिया। उन्होंने जहांगीर को फोन किया कि तेरी बेलखनी औलाद पकड़ ली मैंने, अब क्या करना है। तो जहांगीर ने कहा जेल में डाल दिया। तो रतन सिंह ने उसको किस में डाल दिया, जेल में। और अपने एक बेटे की ड्यूटी लगा दी कि तू ध्यान रख इसका। उस बेटे का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था, हरि सिंह की ड्यूटी लगाई, भाई किसका ध्यान रखना है, साजा। किसका ध्यान रखना है, साजा। किसने गिरफ्तार कर लिया, रतन सिंह। किसके कहने पर, जहांगीर। वो हरि सिंह बदमाश आदमी था।
और वो हरि सिंह दिल्ली शाम को 8 बजे बैठता, तब वो कहता कि उस शाहजहां को बाहर लाओ रे। शाहजहां का नाम हुआ करता खुर्रम, क्या नाम था, कि खुर्रम को बाहर निकालो। फिर वो कहता खुर्रम गिलास तो ले अपने, चने चने सेक ले, थोड़े थोड़े पापड़ लेके आ जा, नींबू काट ले। तो सांझा को बेचारे को ह्यूमिलिएट किया करता हो, सांझा कैदी था, कैदी से तो काम करवाया जा सकता है। ये दिन शाहजहां को गुस्सा आया और शाहजहां ने कहा कि भाई साहब मैं कैदी नहीं हूं, मैं मुगल बादशाह का बेटा भी हूं। ठीक है, दिन बुरे चल रहे हैं, तब बात मैंने जेल में पटक रखा है, पर एक दिन अच्छे दिन। और यार तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, मेरे से बर्तन कैसे मंजवा सकता है तू, और डेली पापड़ सिखवा सिखवा के मंगवा था मेरे से, कभी कहता पापड़ जिधर से काला हो गया वापस करके ला, ये नहीं होगा, ये कोई तरीका नहीं है। उसके तब तक यूं दो एक पैक में सेट था हरि सिंह। हरि सिंह ने कहा अच्छा ये बात है, घुंघरू लाओ रे। घुंघरू लाए, फिर खुर्रम के घुंघरू बांधे, फिर उसने कहा नाच, तब तक जिंदा है जब तक तेरे कदम चलेंगे, जैसे तेरे कदम रुक जाएंगे मार दूंगा। शाहजहां बापड़ा पूरी रात नाचा, उसने कूटा शाहजहां को पकड़ के, नाक तोड़ दी थी शाहजहां। अगले दिन रतन सिंह जी को वैसे ही शाहजहां से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि शाहजहां नाक टूटी हुई, खून बह रहा, बेचारा पैरों की मालिश कर रहा बेटा बेटा खुद ही, नाच नाच के घिस गए बेचारे के नीचे से। तो पूछा रतन सिंह जी ने पूछा भाई शहजादे क्या हुआ, और शहजादा बापड़ा डहा डहा करके रोया। उसने कहा महाराज मार दो इससे अच्छा, यार ये कोई तरीका है, इन्होंने रात नचाया है पूरी रात, मेरी वीडियो और बनाई है, कह रहे हैं यूट्यूब पे डाल देंगे तेरी वीडियो। तो फिर रतन सिंह जी को लगा कि यार तरीका गलत है, लड़ाई जहांगीर शाहजहां की बीच की, अपने क्यों पड़े बीच में। तो उन्होंने हरि सिंह को कहा डिलीट कर अभी अभी आदवार, और वो उधर वो डिलीटेड आइटम होते हैं उनमें से और डिलीट कर, वरना उधर पड़ा रहेगा तेरे, और डिलीट करवाया उधर। और कहा आज के बाद हरि सिंह की ड्यूटी नहीं, आज के बाद किसकी ड्यूटी है। माधव सिंह भले आदमी थे, माधव सिंह शाम को 8 बजे बैठते, तो शाहजहां कहते एक गिलास तेरा भी लगा ले। शाहजहां खुश रहने लगा। शाहजहां ने कहा कि माधव सिंह नहीं जानता कि मेरा बाप कितने दिन तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं नहीं जानता कि मैं इस जेल में मर जाऊंगा या बाहर भी निकलूंगा, पर यदि मैं कभी बादशाह बना तो तुम बहुत बड़े राजा बनोगे। उसने अपना वादा निभाया, जब वो बादशाह बना तो उसने कोटा को अलग कर दिया बूंदी से, और माधव सिंह को क्या बना दिया याद रहेगी, तो कोटा को अलग से बनाने वाला बंदा कौन था, शाहजहां। किसको राजा बनाता है, कौन सी रियासत से अलग करता है, बूंदी से। कब करता है ऐसा, वो 1631 कब करता है, 1631 के अंदर वो ऐसा करता है। फिर यहां पर एक राजा था, उसका नाम था मुकुंद सिंह, क्या नाम था, मुकुंद सिंह, क्या नाम राजा का, मुकुंद। इसने कोटा में एक महल बनवाया था, अबली मिणी का महल, कौन सा महल बनवाया था, तो कोई दो सवाल है, कोई पूछे अबली मिणी का महल कहां पर है, तो कोटा, ये महल किसने बनवाया था, किसने बनवाया था। फिर एक यहां पर राजा था भीम सिंह, कौन था, भगवान कृष्ण का भक्त बन गया था, वल्लभ संप्रदाय, कौन से संप्रदाय को, और इसने कहा आज के बाद कोई मुझे भीम सिंह नहीं कहेगा, अपने भगवान कृष्ण के दास है, इसलिए मेरा नाम क्या है। उसने कहा आज के बाद कोटा कोई कोटा नहीं बोलेगा, आज के बाद कोटा है नंदग्राम, क्या है, भगवान कृष्ण के मम्मी का नाम क्या था, देवकी, क्या नाम था, भगवान कृष्ण के मम्मी कौन थी, देवकी, पापा कौन थे, वासुदेव, लेकिन उनको पालने वाले थे नंद और यशोदा, कौन थे, तो बाबा नंद के नाम पर गांव का नाम क्या किया गया, तो कोटा का नाम कोटा नहीं है, कोटा का नाम क्या है, नंदग्राम। इधर अपने एक 12 में जगह पड़ती है शेरगढ़, और इसने शेरगढ़ का नाम बदल कर दिया बरसाना, क्या कर दिया, बरसाना। और इसने 12 में एक मंदिर बनवा दिया भगवान कृष्ण का, सांवरिया जी, कौन सा, सांवरिया जी, भगवान कृष्ण को सांवरिया जी कहते हैं, तो सांवरिया जी का मंदिर बनवा दिया। तो कोई पूछेगा भाई कोटा का नाम बदलकर भीम सिंह ने क्या कर दिया था, नंदग्राम, शेरगढ़ का नाम बदल के, बरसाना, खुद का नाम बदल के। उस भीम सिंह उस टाइम का योगी आदित्यनाथ है ना, बाबा जी का नाम है अजय सिंह बिष्ट, क्या नाम है, खुद का नाम बदल क्या कर दिया, योगी आदित्यनाथ, क्या कर लिया, इलाहाबाद का नाम बदल के, फैजाबाद का नाम बदल के, अयोध्या, क्या कर दिया, बस भीम सिंह ने खुद का नाम बदल के, कृष्णदास, कोटा का नाम बदल के, नंदग्राम, शेरगढ़ का नाम बदल के, बरसाना। फिर यहां पर एक राजा बने उमेद सिंह, कौन राजा बने, उमेद सिंह। और उमेद सिंह 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं, कब संधि कर लेते हैं, 1817 में। तो 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजा कौन था, कौन था, उमेद। पर वास्तव में उस समय ये संधि कोटा का एक प्रधानमंत्री कर रहा है, कोटा में प्रधानमंत्री को बोलते दीवान, क्या बोलते, और दीवान बड़ा गजब आदमी था, जालिम सिंह जला, क्या नाम था, जालिम सिंह जला, क्या नाम था,
संधियां करवाने के लिए जब बातचीत करने के लिए आया था ना शुरुआत में, बहुत पहले तो आया था जेम्सटोड। कौन आया था? तो जेम्सटोड राजस्थान में जब आया था सबसे पहले किससे मिला था? तब तक जालिम सिंह जला बूढ़ा हो गया था, शाम को दिखता नहीं था उसको। तो जेम्सटोड जब उससे बातचीत करने के लिए गया तो टोड ने पूछा कि दीवान जी नमस्कार, मेरे को अंग्रेजों ने भेजा है और हमारी मराठों के साथ लड़ाई चल रही है, आप किसका साथ देंगे? जालिम सिंह जलाने का, जेंटलमैन हम तुम्हारी तरफ, हम अंग्रेजों के साथ लड़ो तुम। तो जेम्सटोड ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको हमारा साथ देना चाहिए जबकि मराठे पुराने हैं आपके, आपके देश के, आप उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? तो जालिम सिंह जला कहता कि जेंटलमैन मुझे दिखता नहीं है तो मुझे नहीं पता तुम कैसे दिखाई देते हो, पर तुम्हारी आवाज का कॉन्फिडेंस ये बताता कि अगले 10 साल के अंदर अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। मैं ऐसे लोगों को दोस्त बनाना पसंद करूंगा। मुझे लगता हो कितना विजनरी था, उसको पहले से पता था कि वैसा होने वाला तो है। चीजें वैसे वैसे घटित हुई बाद में, 10-1 साल के अंदर तो अंग्रेज कब्जा कर कुरा ही लेते हैं इधर उधर अपना। तो वो जो बंदा था वो कौन था? जालिम सिंह झाला। इसलिए जेम्सटोड को ये लगता था कि राजस्थान में सबसे पहले मेरे को ये बात किसी ने कही थी तो किसने कही थी? और एक बार संधियां शुरू हो गई, कोटा ने कर ली, करौली ने कर ली, फिर धीरे धीरे सब करने लग गए, तो ये शुरुआत करवाने की वो कोई उत्तरदायित्व यदि किसी पर है तो किस पर है? जिम्मेदारी मान लो, या किसी को आपने क्रेडिट दें, क्रेडिट किसको है? तो किसको है? जालिम सिंह झाला। तो उसने कहा अंग्रेजों का, अगर जालिम सिंह झाला के लिए संधि में थोड़ी लाइनें और लिखवाओ, तो कोटा वाली संधि में बाद में एक लाइन और लिखवाएगी, एक लाइन और लिखवाएगी, इसलिए उसको हम बोलते हैं पूरक संधि। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा अंग्रेजों ने सप्लीमेंट्री ट्रीटी किसके साथ में की थी? किसके साथ में की थी? कोटा। एक लाइन और लिखवाई, उस लाइन में लिखवाया कि जालिम सिंह झाला का परिवार ही हमेशा क्या रहेगा और कोटा की सारी पावर भी किसके पास रहेगी? कोटा की पावर कोटा के राजा के पास नहीं रहेगी, किसके पास रहेगी? दीवान। मतलब कोटा का राजा होगा वो तो होगा मनमोहन सिंह, दीवान होगा वो होगा सोनिया गांधी। बात समझ में? तो कोटा की सारी पावर किसको दे दी गई थी? जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला कौन था? दीवान। कौन था कोटा का? तो अपने पढ़ते हैं देखो कि अंग्रेज रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, ये आंतरिक मामला ही तो है। किसको दीवान बनाएगा, किसको दीवान नहीं बनाएगा, मामला किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? राजा। लेकिन यहां पर मामला किसके पास में? दीवान। दीवान जी कह रहे मैं दीवान, मेरे बाद मेरा बेटा दीवान, उसके बाद उसका बेटा दीवान, उसके बाद उसका बेटा दीवान, और यही होता रहा बाद में। तो कोटा, कोटा के अंदर संधि करने वाला कौन था? उमेद। कब संधि की? 1817। उसका दीवान कौन था? और अंग्रेजों ने इसके साथ क्या की? और इसमें कह दिया गया कोटा की सारी पावर किसके पास है? दीवान। और दीवान का पद वंशानुगत है। दीवान का पद कैसा है? हेरिडिटरी। बाप के बाद बेटा, पोता, सड़पोता, लड़पोता, कड़पोता, लड़सड़पोता, यही बनेंगे। इनके अलावा दूसरा कोई भी बनेगा? ये चौहान भाई। तो चौहानों का संस्थापक कौन था बताओ? कौन था? वासुदेव चौहान। कौन सी झील बनाई थी उसने? ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? वो कौन से मंदिर में? पार्श्वनाथ। कौन से सन का है? चौहान कौन से ब्राह्मण है? दिल्ली कौन से चौहान ने जीत ली? कौन से चौहान के टाइम लगाया गया था वो? सोमेश्वर। उसने मंदिर को जमीन दान दी, उसको क्या बोलते हैं? डोली। क्या बोलते हैं? और बिजोलिया अभिलेख के आधार पर चौहानों को शर्मा जी कौन बताता है? दशरथ शर्मा। अग्निकुंड से कितनी जातियां पैदा हुई? 4। कौन कौन सी? परमार और प्रतिहार। सबसे लास्ट में कौन आए थे? ये बात है, ये कौन सी बुक के अंदर लिखी हुई है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी थी? अच्छा, वासुदेव ने चौहानों की क्या की थी? स्थापना कहां पे? सांबर। गोविंद थर्ड ने किसको हरा दिया था? महमूद गजनवी। किसके साथ मिलके? भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट कहां का राजा है? गुजरात। उसकी उपाधि क्या थी? वेरी गुड। उपाधि कौन देता है? जयानक। कौन सी बुक में? पृथ्वीराज विजय। अजमेर की स्थापना कब हुई? कौन से राजा ने की? कौन से सिक्के चलाए? कौन सी रानी के नाम पे? अनुराज ने कौन सी झील बनाई? पुष्कर में कौन सा मंदिर? उसके सामने जहांगीर के महल बने हुए। पृथ्वीराज सेकंड ने अपनी रानी सोहाव देवी के नाम पे मैनाल में सोहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रह चतुर्थ का शासन काल अजमेर के चौहानों का, ऐसा कौन कहता है? उसने कौन सा स्तंभ लगवाया? दिल्ली से वाले। कौन सा स्तंभ लगवाया? कौन सा एक शहर बसाया उसने? बिसलपुर। कौन सी पाठशाला बनवाई? संस्कृत। कौन सा नाटक लिखा? हर के लिए। सोमदेव ने कौन सा लिखा? ललित विग्रहराज। नरपति नाला ने क्या लिखी? बिसल देवरासो। वो कैसी कहानी है? प्रेम कहानी। कौन सी भाषा में है? गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? पाली और जालौर। उसकी उपाधियां क्या क्या थी? कवियों का क्या था वो? बंधु। बिसलपुर बसाया इसलिए बिसल देव। पृथ्वीराज थर्ड ने कौन सी जनजाति का विद्रोह कुचला? महोबा युद्ध में किसको हराया? परमार देव चंदेल। उसके दो सेनापति कौन थे? तराइन में कितने युद्ध हुए? कौन सी जगह को लेके हुए? पहला कब हुआ? दूसरा कब हुआ? पहले में कौन जीता? दूसरे में कौन जीता? कौन सा गढ़ बनाया? कौन सी उपाधि थी इसलिए? एक और उपाधि दल पुंगल। कौन सा डिपार्टमेंट? आर्ट एंड कल्चर। उसके मिनिस्टर कौन थे? अच्छा, रणथंभौर में चौहानों का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ कौन मारा गया? कौन मारा गया? वीरनर। हमीर ने कितने में से कितनी लड़ाई? 17 में से 16। हमीर की बुक का नाम बताओ।
श्रृंगार हार, क्या नाम है? श्रृंगार हार। किसने कहा था कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? किसने कहा था? अमीर। कौन से किले के बारे में? रणथंभौर। किसने कहा था 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझ? किसने कहा था बाकी सब किले नंगे हैं पर ये किला बख्तर बंद है? अबुल फजल। कौन कहता है? कौन से किले के बारे में? रणथंभौर के बारे में। तीन बातें, क्या क्या बातें? ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर, आज कुफर का घर इस्लाम, बाकी सब किले नंगे हैं पर इसने गाबे पहन रखे हैं, गाबे, ये बख्तर बंद है। कैसा है? जालौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कौन था? इल्तुतमिश से मंडोर और नाडोल कौन छीन लेता है? उदय सिंह। चाचिक देव क्या उपाधि धारण करता है? महाराजा धीराज। 1308 में अलाउद्दीन ने कहां अटैक किया? सिवाना में। साका कौन करता है? सातल और सौम। उसने नाम बदल के क्या कर दिया? खेराबाद। 1311 में कहां पे किया? जालौर में। एक साका किसके नेतृत्व में हुआ? कानरदेव वीरमदेव। नाम बदल के क्या कर दिया गया? पद्मनाभ ने कानरदेव वीरमदेव पे कौन कौन सी दो किताबें लिखी? कानरदेव प्रबंध, वीरमदेव सोनग्रारी। सिरोही में संस्थापक कौन था? लुम्बा। कौन था? लुम्बा। सिरोही का, सिरोही की स्थापना किसने की? सहसमल। कब स्थापना की? 1425। सुल्तान ने किसको हराया? अकबर को। कौन से युद्ध में? दत्तानी। दुर्साडा की बुक का नाम? राव सुल्तान राव। कवि महाराणा प्रताप पे, महाराणा प्रताप ने अकबर को कौन से युद्ध में हराया? दिवेर। दिवेर कब हुआ था? 1582। शिव सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कब करता है? बूंदी में। चौहानों का संस्थापक कौन था? देवा। कौन था? बरसिंह ने कौन सा किला बनवाया? तारागढ़। अकबर के साथ संधि कौन करता है? सुरजन। कब करता है? 1578। उसके दरबारी चंद्रशेखर ने दो किताबें कौन कौन सी लिखी? हमीर हट और सुरजन चरित। हमीर हट और द्वारिका में कौन सा मंदिर? बुद्ध सिंह ने खुद ने कौन सी किताब लिखी? नेहत तरंग। कौन सी? कौन कौन से दो बेटे लड़ रहे थे उसके? दलेल सिंह का साथ कौन दे रहा था? सवाई जय सिंह। उमेद सिंह का विष्णु सिंह कब संधि कर लेता है? 1818। कोटा रियासत कौन से मुगल बादशाह ने बनाई? किसको अलग किया था? माधो सिंह को। कब किया था? 1671। मुकुंद सिंह ने कौन सा महल बनाया था? अबली मिनी का। भीम सिंह ने अपना नाम बदल के? कृष्णदास। कोटा का नाम बदल के? नंदग्राम। और शेरगढ़ का नाम बदल के? और 12 में किसका मंदिर? सामरिया जी का। उमेद सिंह 1817 में अंग्रेजों से क्या कर लेता है? संधि। फिर जालिम सिंह जाला के साथ क्या की गई? पूरक संधि। और उसमें लिखा गया कोटा की सारी पावर किसके पास है? दीवान के पास दी जाती है। अब अगला वंश ले लेते हैं।